हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और रिव्यू वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आज हम लोग मिलने वाले हैं रेवा के एक अपग्रेडेड वर्जन के ओनर के साथ में, और बात करेंगे कि वो जो नई रेवा है जो कि E2O के नाम से भी जानी जाती है, वो किस तरीके से इस DC वेरिएंट रेवा से अलग है और क्या उनके एक्सपीरियंस हैं और क्या हमारे एक्सपीरियंस है। एक कंपैरेटिव वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं अब उनके पास। रेवा का जो E2O वेरिएंट है जो कि महिंद्रा ने टेक ओवर करने के बाद में जो लॉन्च किया था वो, और हमारे पास में एक प्रिमिटिव रेवा का जो DC मॉडल है वो, तो क्योंकि हम भी इस गाड़ी को काफ़ी समय से चला रहे हैं और वो भी उस गाड़ी को काफ़ी समय से चला रहे हैं, तो दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं इस टाइम पे, जबकि पेट्रोल के साथ में किसी भी गाड़ी को चलाना या डीजल के साथ में किसी भी गाड़ी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है एक आम व्यक्ति के लिए। तो क्या 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख तक के बजट में आप ऐसी किसी पुरानी रेवा को खरीद सकते हैं, और क्या उसके साथ में एक नॉर्मल एक सामान्य कंप्यूटर की तरह उसको चला सकते हैं, इन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो गाइस, ये है हमारे साथ में कबीर भक्तानी जी। कबीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और सबसे पहले तो थैंक यू, आप हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे अपनी गाड़ी को लेके आ गए हैं। अरे वो मैं खुद बहुत कीन था आपकी भी रेवा को ट्राई करने के लिए, और आपको भी चेक कराने के लिए मैं खुद से बहुत कीन था। अच्छा, तो चलिए सर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, छोटा सा रिव्यू वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पॉइंट टू पॉइंट एक कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा की रेवा जो कि एक AC वेरिएंट है, और जो रेवा ट्रेडिशनल है जो प्रिमिटिव रेवा हुआ करती थी सन 2002 से जो रेवा बनती आई थी DC वेरिएंट उसका। और हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर आपके पास में ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, या जो आपका बजट है उसके हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सही होगी इस सिनेरियो के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों का एक एक बार इंटीरियर चेक करते हैं, फंक्शन चेक करते हैं, और उसके बाद में हम आपको जानकारी बताएंगे कि बेसिकली दोनों गाड़ियों में अब क्या डिफरेंस है। ये क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन रेवा है और ये तो अभी लेटेस्ट वाली है, तो आप इसको रेवा की थर्ड जनरेशन कह सकते हैं, क्योंकि इस रेवा के बाद रेवा आई करके भी एक आई थी जो यूरोप में G20 के नाम से भी बिकती है, और वो बहुत फेमस मॉडल है यूरोप में और काफ़ी लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो एक ट्रेडिशनल रेवा है उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेवा फर्स्ट एडिशन से। इसमें इन लोगों ने फंक्शनैलिटी तो पूरी दी थी गाड़ी की, जो एक कार में बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए वो सब प्रॉपर दी थी, और पीछे से ग्लास ओपनिंग है जैसे एकदम क्लासिक 800 में आता था या जैसे ब्रियो में हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद पीछे चाइल्ड सीट है, जनरली ज़्यादातर टू सीटर कूप्स में या स्पोर्ट्स कार्स में भी इसी तरीके का रहता है सिस्टम कि पीछे सिर्फ एक चाइल्ड सीट दी रहती है, और बहुत मिनिमलिस्टिक सी स्पेस है सिर्फ अपना चार्जर वगैरह रखने के लिए, और बस इसमें तो बेसिक एक चार्जर ही होता है जो हम लोग रिक्वायर्ड होता है। इन गाड़ियों की दोनों, मतलब रेवा की एक जो मेरे को बेस्ट चीज़ ये लगी हमेशा से कि इन्होंने टायर्स का जो साइज़ दिया वो बहुत अप्रोप्रिएट दिया है। उसमें इन लोगों ने ये नहीं किया जैसे नैनो में उन लोगों ने 10 इंच के टायर दिए तो एट टाइम्स वो स्ट्रगल करती है बड़े पत्थरों से कभी कभी निकलने में, ये थोड़ी सी 13 इंच के टायर और इतना शॉर्ट व्हील बेस की वजह से
थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी हैंडल कर लेती है कम्फर्टेबली। और बाकी तो यहाँ पे अपना स्लाइडर सीट्स वगैरह नॉर्मल, और सीट का ये एडजस्टमेंट वगैरह ये सब इन्होंने फंक्शनैलिटी दी है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं खेल की थी, और बहुत ही सिंपल रखे। बस हाँ ये है कि इन्होंने यहाँ पे विंडोज़ में, क्योंकि यहाँ पे डोर पैनल को पतला रखना था अंदर मैक्सिमम, आप लोगों को स्पेस देने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए डोर पैनल्स को स्लिम रखने की वजह से विंडोज़ वो वाली रोल अप वाली नहीं है, इसमें स्लाइडर विंडोज़ है जैसे अपनी मारुति ओमनी में देखने को मिलती थी। उसके अलावा इधर पे इन्होंने गियर स्विच यहाँ पे दिया था, ये बहुत ही मतलब बाद में फ्यूचर में हम लोगों ने देखा है क्विड ऑटोमेटिक में ही अडॉप्ट किया गया था। उन्होंने यहाँ पे ऐसे गियर स्विच करके बीच की पूरा वो टनल जो है वो एम्प्टी रख दिया था। तो यहाँ में हम लोगों को एक बेंच सीट वाला भी कंफर्ट मिलता है, जो क्लासिक पुरानी कारों में फील आती थी कि लोग अपना बैठे हैं, कभी दिक्कत एक बच्चे को भी आगे ले लिया कम्फर्टेबली, बहुत ये चीज़ बहुत मज़े की हो जाती है। ब्रेक इसमें SUV टाइप की दी हुई है, काफ़ी SUVs में आप लोगों को इस तरीके की हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। अभी पुल्ड है, अभी ये रिलीज की, ये पुल की ऐसे करके इसको पुल करके ट्विस्ट करके और आप अपना रिलीज कर सकते हैं। इसमें इन लोगों ने AC नहीं है लेकिन वेंट्स दी हैं, मतलब आपको एयर ब्लोअर, कभी बारिश पड़ रही है तो हम लोग एयर ब्लोअर अवेलेबल है। उसके अलावा फॉग वेंट्स हैं, अंदर फॉग होने लगता है इधर पे करके हम लोग फॉग पूरा रिमूव कर सकते हैं। और बस यही है बेसिक कार में, तो यही होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप कंफर्टेबली पहुंच जाएं, वो चीज़ें इन्होंने सब करते हुए भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार पेश की थी। हम लोगों को तो यहाँ पे भोपाल कानपुर ऐसी जगहों पे तो इतना नहीं पता चला, लेकिन बैंगलोर में तो सर ये काफ़ी अच्छी खासी हिट गई थी मेरे ख्याल से। हाँ, बैंगलोर भारत की विज्ञान सिटी भी तो हुआ करती थी। जी ये तो है, मैंने एक का देखा था रिव्यू, उनके पास शायद उन्होंने हर जनरेशन की ले रखी है, रेवा आई E2। आप लोबो सर की बात? जी लोबो सर, हाँ जी हाँ जी, अपने पुराने टाइम की रेवा है, लेकिन इसमें बॉटल्स रखने के लिए जो ग्लव जो बॉक्स मतलब वो दिया है ना, हाँ जी, ये अभी 800 की फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन तक नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले से ही दिया हुआ था। उस टाइम आप देख सकते हैं बड़ी कंफर्टेबली, बहुत आराम से, जो वाटर बॉटल है वो आराम से रखी हुई है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए तो 2002 में म्यूजिक का तो कोई नाम बहुत ज्यादा था नहीं आता ही नहीं था, मॉडल में रेट्रोफिट कराना पड़ता था कार में। हाँ, ये जो है ये आप देखिए रेवा की ब्रांडिंग के साथ में ये लोग देते थे स्पीकर, तो काम इनका काफी बढ़िया था। हाँ, और इसकी एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें ट्रेडिशनल बैटरी तो लगी ही थी जी, ट्रेडिशनल बैटरी का जो फ्यूम निकलता था चार्जिंग हाँ, के दौरान, उसके जी, लिए ना यहाँ पर देखिए ना एक सेपरेट एग्जॉस्ट सिस्टम दिया हुआ अंदर की तरफ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये, हाँ ठीक है हाँ, इधर नीचे दो टायर, ये उसका वेंट दिख रहा है। जी हाँ, लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के टाइम थोड़ा वो होता है, वेंटिलेटेड चाहिए होता है। तो ये इसका पूरा सिस्टम था, और अगर आगे उन्होंने केबिन को पूरा डिस्कनेक्ट रखा है बैटरी से, केबिन में कोई बैटरी की फ्यूम नहीं। बिल्कुल। और अब जैसे अगर कोई बंदा रेवा पुराना वेरिएंट लेता है तो ये जो बड़ा सा केबिन है जो बैटरी वाला था, जी ये ऑलमोस्ट खाली होता है। अच्छा, क्योंकि लिथियम उस कैपेसिटी की जो लिथियम बैटरियां हैं वो ऑलमोस्ट उससे आधे से कम जगह में आ जाती हैं, मतलब रेंज एक्सटेंड करने की गुंजाइश है। बहुत आराम से इसकी जो रेंज है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, 200 से ऊपर लगा ले जा सकते हैं अगर सेम वेट की आप लिथियम हाँ सेम वेट सेम वॉल्यूम में अगर हम लोग, क्योंकि हाँ मेन तो ये लेड एसिड से लिथियम में जाते हैं तो बस कॉस्ट इंक्रीज होती है, बाकी वेट और वॉल्यूम तो दोनों ही डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, चार्जिंग का इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बहुत क्लीन है ये। हाँ, ये ट्रेडिशनल चार्जिंग सॉकेट है इसका जी, लेकिन जी, अब चूंकि मैंने इसमें लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है जी, तो उसका जो ट्रेडिशनल चार्जर था वो हमें निकालना पड़ा था जी, और जी, अभी फिलहाल इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए मैं लिथियम चार्जर इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। वो ये एक है हमारे पास में जो नॉर्मल चार्जर। अच्छा हाँ जी हाँ जी, छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है बढ़िया चार्ज करता है, लगभग अगर टाइम इसका देखा जाए तो वैसे तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये 6 एम्पियर का चार्जर है जी, और लगभग 210 एम्पियर की बैटरी हाँ, हमने इसमें इंस्टॉल की है, तो उस हिसाब से लगभग 33-34 घंटे में चार्ज होती है जी। लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चलाना ही नहीं होता है कभी, बहुत ज्यादा इसको डिस्चार्ज करते ही नहीं है, इसलिए हमेशा 3-4 घंटे में हमें वो फुल वाला इंडिकेटर आ जाता है।
जी, तो हम लोग चला लेते हैं। नहीं नहीं सही है, ये भी ग्रेजुअली तो खैर कर सकते हैं हम लोग आगे भी इसको भी ऑन बोर्ड करके। हाँ एक्चुअली इसका जो ऑन बोर्ड चार्जर है उसमें भी थोड़े से नॉमिनल चेंजेस करके उसको किया जा सकता है, लिथियम में चेंज कर सकते हैं। जी जी जी, सो दैट एडिशनल चार्जर और लिथियम चार्जर में केवल वोल्टेज का ही तो डिफरेंस है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये तो है। खैर ये लेड एसिड से लिथियम पे अपग्रेड हुई है, उस वजह से इसका वो भी काफी रेज लग रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा हो गया। उसका वेट था वो ज्यादा था, तकरीबन 600 किलो की पूरी गाड़ी हुआ करती थी, और अब जो 2.5 क्विंटल की जो बैटरी निकली है उसके बाद में इसका वजन हार्डली 450 kg के आसपास है। जी जी जी, तो ये इसका एक 360 व्यू है। सामने की तरफ अगर देखें तो सामने की तरफ इसमें आपको जो ट्रेडिशनल जो जीप कमांडर में इंडिकेटर और पार्किंग लैंप थे वो मिल जाएंगे, और हेडलैम्प भी ट्रेडिशनल वाले ही हैं यहाँ पे ना। और अगर इसके सामने वाले बूट की बात करें तो इसका बूट भी काफी अच्छा है, काफी क्लीन है, स्पेशियस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेपनी रखी हुई है, यहाँ पर ये विंडशील्ड वाइपर के लिए अपना फ्लूइड का, स्टेपनी जैक वगैरह सब सेपरेट है। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ अलग से रेट्रोफिट वगैरह कुछ करवा के यहाँ पर अपना कुछ सामान भी चाहें तो रख सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच की जगह अपने को मिलती है यहाँ पर, बट इट्स ऑप्शनल। तो फ्रेंड्स अब ट्रेडिशनल रेवा के बाद हम लोग आ जाते हैं महिंद्रा की रेवा के ऊपर। अब ये जब महिंद्रा ने रेवा ली तो उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी ट्विक करके, फेसलिफ्ट नहीं कहेंगे, एक तरीके से जनरेशन चेंज कर दिया इन्होंने रेवा का, जहाँ पे वो आपको एक थोड़ी सी टॉय कार जैसी फील देती थी या आपको एक नॉर्मल कार जैसी फील देती है, और वो मेरे ख्याल से शायद आती भी क्वाड्री साइकिल की कैटेगरी में थी, इसको इन्होंने कार की कैटेगरी में करके लॉन्च किया था। और खैर उसकी वजह से प्राइस भी बहुत ज़्यादा ट्विक अप हो गया था, काफ़ी लोगों के लिए कंफर्टेबल बजट में नहीं आती थी, इसीलिए शायद हम लोगों ने भी नहीं ली थी उस टाइम। तो E2 आने के बाद इन लोगों ने गाड़ी का व्हील बेस से स्टार्ट किया, व्हील बेस को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया, और सो दैट इसका थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी बेटर फील होती है। खैर मैं इसको डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं लूँगा, इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये एक अलग ही जनरेशन है उसी गाड़ी की। तो इन लोगों ने यहाँ पे उन्हीं बेस फीचर्स को, बेस लाइन वही पकड़ के, टू डोर, इधर भी इन्होंने टू डोर ही रखा सिस्टम को, और पीछे जैसे उसमें सीट्स अवेलेबल थी वैसे ही इसमें भी सीट्स करके यहीं से ही आपको रेयर एक्सेस एंट्री दे के पूरा ऐसे टू डोर, ये फिर वही स्टाइल है जैसे हम लोग स्पोर्ट्स कार्स, कूप कार्स में देखते हैं, उन लोगों में भी ऐसे ही सिस्टम रहता है, स्लाइडर रहेगा आपका और सीट आगे करके फिर पीछे वाले लोग एंट्री एग्जिट करते हैं। हालांकि इन्होंने भी जैसे सर हम लोग उसकी बात कर रहे थे 2002 के हिसाब से वो काफ़ी आगे की सोच से गाड़ी बनी थी, वैसे ही 2013 के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इन लोगों ने जो गेज मीटर वगैरह और अपना स्टार्ट स्टॉप बटन, उस टाइम पे ये सब एकदम हाई एंड गाड़ियों में आता था, जर्मन लग्जरी कार्स में आता था, बेसिक कार्स में नहीं रहता था। ये अंदर से पूरा एडजस्टमेंट इसका 2013 में मेरे को याद है हर गाड़ियों के एकदम टॉप एंड वर्जन में रहता था, और वो भी बहुत मुश्किल से, इतनी छोटी गाड़ी में ये सब देखना ये खुद में एक अलग ही वो था, काफ़ी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। बाकी टायर्स का इन लोगों ने इसमें भी 13 इंच टायर पे रखा, ग्राउंड क्लियरेंस लगभग उतनी है 170-180 अराउंड, और बूट स्पेस भी ऑलमोस्ट इतनी है कि आप बस अपना चार्जिंग केबल वगैरह रख सकते, बूट में बस मिनिस्क्यूल जगह है कि आपके अपने स्कूल बैग जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना चार्जिंग केबल और एक्सटेंशन केबल रखा है। बस एक कमी जो मेरे को लगती है, इन लोगों ने चार्जिंग के लिए जो सॉकेट दिया है ये डिक्की खोल के है, इसका अगर ये लोग सेपरेट रखते तो थोड़ा अच्छा रहता। हाँ पुरानी रेवा में था, और इसके बाद जो E2 प्लस आई थी उसमें भी इन लोगों ने ऐसा फ्यूल बॉक्स करके अलग से दिया था। हालांकि इसमें इन लोगों ने अपने हिसाब से अच्छा वो रखा है, यहाँ पे LED लाइटिंग, हाँ रात में देखने के हिसाब से, कम्फर्ट के हिसाब से वो बढ़िया है, और पूरा पैकेजिंग वैकेजिंग इसमें भी टूल बॉक्स पूरा इधर पे ही कर दिया, बाकी प्रूफ बनाने के लिए कि बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आए इसमें जितना हो सके।
इंसुलेट करने के हिसाब से। बस इसकी वजह से हुआ क्या है कि बार बार जितनी बार चार्ज करना हो केबल लगाना उतनी बार डिक्की खोलनी पड़ती है, नहीं तो वो हो जाता है कि उसकी अलग ही एक वो रहती। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन इसकी कॉम्पैक्टनेस को वो रखते हुए, लाइन में रखते हुए पूरा वैसे ही दिया है कि एकदम एक स्मार्ट और कॉम्पैक्ट कार लगे। जी जी सर, E2 का ही आई गेस T2 वेरिएंट है शायद, T2। हाँ जी हाँ जी, T4 से सबसे टॉप एंड था। जी जी जी, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं एक्चुअली, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन जब भी निकालो तो E2 प्लस की इंफॉर्मेशन ऊपर आ जाती है। और ये E2 है क्या? हाँ, E2 प्लस में फोर डोर कर दिए थे उन्होंने। फ्रेंड्स, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल रेवा को एक यूनिक सा लेआउट देने की कोशिश की थी उसके कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से, वहीं E2O में इन लोगों ने थोड़ा ट्रेडिशनल कार जैसा डिज़ाइन देने की कोशिश की है। हैंड ब्रेक अपना ट्रेडिशनल कार जैसा, और गियर लीवर वहाँ पे नॉब होती थी, नॉब की जगह इन्होंने ये कर दिया। हालाँकि पर्सनली मैं नॉब्स का ज़्यादा फ़ैन हूँ, मेरे को लगता है अगर गियर लीवर की लीवर का काम नहीं कर रहा है तो गियर लीवर होने का मतलब ही नहीं है। अगर स्विच का ही काम करना है तो स्विच ही काफ़ी है उसके लिए। तो एनीवेज, इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे दिया है। सीट्स उसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, इसमें इन लोगों ने थोड़ी और बकेट की तरफ सीट्स निकाल दी हैं, और यहाँ पे दिया ही है तो इन्होंने फिर बीच वाली टनल में आपको चिलर बॉक्स और इधर पे USB और ऑक्स के लिए और नॉर्मल सिगरेट लाइटर चार्जर के लिए एक स्पेस दे दी, USB ऑक्स और सिगरेट लाइटर चार्जर के लिए, चिलर बॉक्स वगैरह। पावर विंडोज़ यहीं से ही हैं, दो ही विंडोज़ हैं तो दोनों का इधर ही पे बीच में सेंटर में ही यहाँ से ही। बाकी एयर कंडीशन और वो सारे कंट्रोल्स जो हैं बीच में यहाँ पे इस तरीके से दे दिए। थोड़ा सा ऑन करें एक बार आप। डिस्प्ले वगैरह, रेयर पार्किंग कैमरा वगैरह भी दिया हुआ है इन्होंने। हालाँकि उस टाइम के हिसाब से कैमराज उतने अपग्रेडेड नहीं थे, लेकिन तब भी काफ़ी सही है ऑथेंटिकेट की। इसमें की को जब तक हम लोग ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तब तक ये अनलॉक नहीं होता है इसका गियर लीवर। ये अब जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे तो पहले ये ऑरेंज पे होता है और स्क्रीन पे ये दिखाएगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, यहाँ पे ऑथेंटिकेट की का दिखाएगा। अब यहाँ पे ये ऑरेंज हो रहा है, मैं जैसे ही की को यहाँ पे लेके जाऊँगा ये ऑथेंटिकेट करेगा और ग्रीन कर देगा। अब गाड़ी रेडी टू मूव है। अब गियर्स जो हैं, अब ये वेलकम लिख के आ गया, अब रेडी है गाड़ी। अब गियर शिफ्ट जो है होगा, नहीं तो गियर लीवर जो है लॉक रहता है अगर वो नहीं करें तो। ओके, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। हाँ जी, जब रिवर्स लगाएंगे इसमें भी सेम यही है। जी, रिवर्स, न्यूट्रल, फॉरवर्ड और बूस्ट। वो इन्होंने बढ़िया लेबलिंग ट्रेडिशनल रखी रेवा वाली, ये इन्होंने काफी सही रखा है, रेवा के DNA को भी जिंदा रखा और उसके साथ एक जनरेशन का मॉडर्नाइजेशन भी दे दिया। तो गाइस, ये तो थी ट्रेडिशनल रेवा फर्स्ट जनरेशन और महिंद्रा की रेवा के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में छोटी सी जानकारी। अब जो आपके लिए ज़रूरी है उन बातों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कितने में मिलती है, क्या इसकी रेंज है, क्या इसकी स्पीड है। तो शुरुआत करें सर। जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी वाली रेवा से। जी जी, जैसे आपने जो इसका जो बेसिक प्राइस है, आपने इसको यूज्ड कार में लिया है, मतलब नई नहीं ली है, पुरानी ली है। तो पुरानी अगर गाड़ी अगर कोई हमारा व्यूअर्स लेना चाहे जो अब इलेक्ट्रिक पे स्विच होना चाहता है या उन्होंने अपना मन बनाया है, तो सबसे पहले तो आप दोनों, क्योंकि दोनों गाड़ियों को आपने देखा है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो आप पहले क्या चीज़ बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो डिपेंड करता है आप कौन से शहर से हैं। अगर आप मेट्रोस से हैं तो वहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, नहीं तो इनकी अवेलेबिलिटी बहुत रेयर होती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी हो जा रही है तो मैं तो कहूँगा आपको चाहे फर्स्ट जनरेशन रेवा मिले चाहे ये मिले, सारी जनरेशन रेवा बहुत कंफर्टेबल, बहुत कॉम्पैक्ट कार है ना, इसकी विड्थ बहुत कम है, आप लोगों को डेली मैन्यूवरिंग के लिए बहुत बहुत आरामदायक रहती है। सिटी जैसी, मतलब किसी भी सिटी, रश वाली मार्केट वार्केट किधर भी जाना आपको। उसके अलावा बस देखने वाली चीज़ ये होती है हम लोगों को, एक तो बेसिक हर जो हम लोग देखते हैं गाड़ियों की लाइनिंग वगैरह,
कि वो सब एक्सीडेंटल तो नहीं है वो. उसके अलावा इलेक्ट्रिक में जो अलग चीज देखने वाली है वो मेन इसका ये होता है कि बैटरी की हेल्थ कैसी है. हाँ, बैटरी कितनी पुरानी है या कितना पर चार्ज माइलेज दे रही है. जी. और एक शायद ये भी एक चीज इम्पोर्टेंट है खरीदने से पहले कि उसकी जो बैटरी की कॉस्ट, नई वाली बैटरी कॉस्ट, वो भी एक बार पता कर लेनी चाहिए. पता चल रहा है हमने जैसी गाड़ी ली और वैसे ही एक या दो साल के अंतराल से हमको अगर बदलानी पड़ती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे. और अगर वो नहीं बदलाती है इनकेस तो उसका रिप्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है. ये सारी चीजें अगर किसी बायर को अगर पता हो तो मेरे हिसाब से थोड़ी जी, परेशानी जी, कम होगी. ये तो ये इसमें मेन है क्योंकि ये एकदम समझ लीजिए जैसे अपनी कार में इंजन है वैसे ही है लगभग. बिल्कुल, बैटरी बिल्कुल. इसका इंजन है. बाकी इसकी मोटर तो, मोटर की तो मेरे ख्याल से 3-4 लाख 5 लाख लाइफ होती है. मोटर की तो कोई टेंशन नहीं है, मोटर आपको इंटैक्ट मिलेगी. अब आप देखिए जैसे जो रेवा मेरे पास में वो 2002 से उसकी मोटर चल रही है जी, जबकि वो डीसी मोटर है, उसमें ब्रश होते हैं जी, जी. आप सोचिए ब्रश मोटर की अगर लाइफ इतनी हो सकती है 18-19 साल, तो BLDC मोटर जो अभी AC, जो AC मोटर वाली जो गाड़ियां हैं वो तो मुझे लगता है 50-100 साल चलेंगी तब भी उनको मोटर में कुछ होना नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो मेन यहाँ पर जो डील ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो शायद बैटरी या उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी कॉस्ट ही हो सकती है. जी जी जी. तो बैटरी का ही रहता है. बैटरी के लिए मैं खुद जिस टाइम पे ले रहा था मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके से चेक करूँ, क्योंकि हम लोग टेस्ट ड्राइव जनरली लेते हैं तो यही होता है 5-10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा क्या लेंगे, इससे ज़्यादा क्या. लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक कार के लिए जाएँ तो वही है, मैंने सर से बात की थी तो एक फार्मूला हम लोगों को सर ने बताया, मेरे को बहुत समझ में आया. 100% पे आप गाड़ी मांगिए और उसका उसको 50% तक चलाइए, 60% तक तो किसी भी हाल में चला के देखिए. बिल्कुल. और उससे आपको एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि हम लोगों को कितना जाना है. तो मैंने तो सर वही किया था, अपना 100 पे ली और 55% तक चलाई, देखा एकदम 45 किलोमीटर 46 शायद चली थी. तो उससे और एक चीज इसमें और बढ़िया है, इसमें जितनी बार गाड़ी जब चार्ज होती है तो ऑटोमेटिकली ये 0 पे हो जाती है ट्रिप पे. अच्छा. तो आपको वो भी कोई टेंशन नहीं है कि आपको ट्रिप करना है कुछ करना है. आप चार्ज लेंगे गाड़ी, आपको सिर्फ ट्रिप ए चेक करनी है कितने किलोमीटर आप चल रहे हो और कितना कंजम्पशन हो रहा है. वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया था. ये है. और उसके बाद समझ लीजिए आप इतना नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप महिंद्रा का है आपके पास सर्विस स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिक होती है, क्योंकि हर महिंद्रा के सर्विस स्टेशन पे इलेक्ट्रिक का हाँ वो नहीं मिलेगा आपको, तो उनसे या तो हम बात कर लें कि वो उनके पास सॉफ्टवेयर से वो लोग हेल्थ असेसमेंट कर लेते हैं. तो नहीं तो फिर यही है, अगर उतना टाइम नहीं दे सकते हैं तो सीधे वहाँ पे लेके जाएं गाड़ी, वो लोग हेल्थ चेक करके आपकी बता देंगे भाई बैटरी में इतने सेल्स ऑन है, इतने सेल्स डेड हैं, क्या कंडीशन है. मेरे ख्याल से 14 या 16 इसमें वो प्रिज्मेटिक सेल्स वाली होती है. अच्छा. सेट होता है. हाँ. तो वैसे तो इनके सेल्स ऐसे आते हैं शायद 15-16 हज़ार कुछ का मेरे को सुनने में आया था. तो मैंने भी अभी तक इसका हेल्थ चेक नहीं कराया क्योंकि मैंने खुद से हेल्थ चेक कर लिया चला के तो काम हो गया. ठीक है. और अगर किसी भी गाड़ी से आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी होती है तो मुझे लगता है कि फिर आपको बहुत ज्यादा उससे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि ना अपने देश में थोड़ा सा ये भी है कि वो व्यक्ति को ना महीने में ना एक बार अगर शहर से बाहर जाना है तो वो गाड़ी वैसी मांगता है कि जैसे उसको रोज ही बाहर जाना हो. सर हम लोगों ने पेट्रोल गाड़ियां यही सोच के ली थी कि उस टाइम पे भी मेरे पास ऑप्शन था, E2O प्लस ले सकता था, सेम रेट पे मिल रही थी. लेकिन ये था उस टाइम पे बस दिमाग में ये था कि बस 120 किलोमीटर रेंज इतने में क्या होगा. पर सर व्यावहारिकता ये है कि आप 120 किलोमीटर हार्डली महीने में एक बार चलते होंगे. सर वन टाइम में 3 सालों में 3 बार गाड़ी सिर्फ निकली है. मतलब ये तो कोरोना की देन है जो 3 साल में निकली है. लेकिन अगर ये पेंडेमिक नहीं भी आता तो भी बहुत कम, तो भी मुझे लगता है कि एक जो नॉर्मल सर्विस वाला व्यक्ति है या जो जिसका बिजनेस है वो हार्डली महीने में 1 या 2 बार ही शहर से बाहर जाने का प्लान बनाता है. और मेरे हिसाब से उस प्लान के लिए ना हर घर में ना ऑलरेडी पेट्रोल कार है. तो अगर आपको अगर आपको शहर में घूमने के लिए, डेली कम्यूट करने के लिए, अपने ऑफिस या शॉप जाने के लिए अगर आपको 30-40-50 किलोमीटर रेंज वाली कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलती है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि भाई वो कार ही हो, अगर आपको स्कूटर भी मिलती है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच करेंगे.
कर सकते हैं। और ये सिर्फ चलिए एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट में हम भी तो आते हैं, हम लोगों को भी एक कंटिन्यूस शोर सुनना, कंटिन्यूस वाइब्रेशन मिलना, ये हम लोगों को अच्छा लगता है क्या? ड्राइव में हम ही जब इलेक्ट्रिक ड्राइव करते हैं उसके बाद इतना आनंद आता है, लगता है कि ऐसे लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्यों होना चाहिए, मतलब जैसा कि मतलब भोपाल से ना गोवा चले जाओ, बस गोवा चले जाओ, कितना मजा आएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में। पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी देखिए भारत जैसी बड़ी कंट्री, मतलब मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पर पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, और वहाँ पे हर व्यक्ति तक ये सामान, मतलब ये इस चीज की आउटरीच होना एक बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो हर व्यक्ति भी इलेक्ट्रिक के बारे में सोचता नहीं है, हर व्यक्ति पर्यावरण के बारे में भी नहीं सोचता, हर व्यक्ति कार्बन एमिशन के बारे में भी नहीं सोचता। तो जब उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था, सर वो सोचेगा कहाँ? जी जी जी। लेकिन एक देश में एक पढ़ा लिखा वर्ग भी है जो ये इन सब चीजों को सोच सकता है, कर सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छी शुरुआत की जी जी, और कहीं ना कहीं आप ही थे। नहीं, नहीं। मैं उस दिन आया था आपके पास, जब ये देखी तो मेरे को एकदम से उसके हाथ से, मैं ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन ऑनलाइन OLX पे, Cars24 पे इधर उधर चेक करता था कोई ऑप्शन हो सकता है क्या। आपने तो सिर्फ एडवेंचर किया, आप तो पुणे से ले आए थे, मेरे को आराम से मिल गई, बैठा मिल गई। तो बेसिकली सर, वैसे आप जैसे अभी जो मेन मुद्दे की बात है, फिर अभी अपन थोड़ा सा भटक गए थे, आपने कितने में ली है गाड़ी? सर मेरे को वो लिस्टिंग थी इसकी कुछ 380 में, लेकिन जैसे ही बात की तो 3 बोल रहे थे, OLX की वजह से उन्होंने थोड़ा ऊपर लिस्ट कर रखा था नेगोशिएशन की, और नेगोशिएट करके मेरे को 280 तक की पड़ गई। 280 अभी उसमें जो ट्रांसफर था वो इंक्लूडेड है, वो अलग है? हाँ, ट्रांसफर का इन लोगों ने 10,000 कह रहे थे, तो हम लोगों ने बीच में आके 5,000 किया, 5,000 तो 285 की समझ लिए, एकदम नेट 285 की पड़ गई। और अभी आप कितना चला चुके हैं इस गाड़ी को अभी लेने के बाद? अभी सर मैंने ली थी 16,503 पे, मतलब ये गाड़ी केवल 16,000 चली हुई थी। हाँ 16,000 चली हुई थी, ये मेरे को थोड़ा सही मिल गया। हाँ मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली की, जब भी आप किसी गाड़ी को लें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ओडोमीटर होता है, तो उसको रीसेट करना और या फिर उसमें छेड़खानी करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होगा जो इसको रीसेट कर पाए, क्योंकि नॉर्मल अपनी जो गाड़ियां होती हैं उनका भी इतना आसानी से होता नहीं है जो, तो हाँ, पैक्ड रहते हैं, हाँ, सील रहते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है कि जब भी अगर आप किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को परचेस करने वाले हों, या यूज्ड, स्पेशली अगर यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं, तो आप उसके ओडोमीटर को चेक करें, क्योंकि सामान्य रूप से भारत में बिकने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं ARAI नॉर्म्स के हिसाब से, उनकी जो मोटर कहें, इंजन कहें या बैटरी कहें, उनके ऊपर है ना 1,00,000 किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह होती है वो रिकमेंडेड होती है। तो अगर आपको 50,000 किलोमीटर पे भी कोई गाड़ी मिलती है, तो इट मीन्स है कि वो अपने सर्विस का हाफ लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। तो ऐसे आप है ना कुछ कुछ पॉइंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे सर ने 16,000 किलोमीटर, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 16% लाइफ ही इस गाड़ी की गई थी और उसके बाद सर को मिल गई, तो मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट नई डील जैसी ही रही होगी ये। जी उस सेंस में ये, मैंने भी ये भी कंपेयर किया था कौन सी कम चली हुई है उस हिसाब से, मतलब आपको और भी ऑप्शन दिए थे उनने। मेरे पास एक ये मिल रही थी और एक रेड कलर में मिल रही थी, पर उसका रजिस्ट्रेशन बैंगलोर का था। हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन भोपाल पे ट्रांसफर हो चुका था। अच्छा, तो इसलिए मैंने फिर ये प्रेफर की कि चलो भोपाल ट्रांसफर होने के बाद नंबर नहीं चेंज हुआ? नहीं सर, वो बाद में होता है, और ऑप्शन होता है। अच्छा, तो वो इन लोगों ने शायद नहीं चूज किया होगा। अच्छा, मतलब अगर मैं चाहूँ तो अपनी गाड़ी को KA03 के साथ भी भोपाल में रजिस्टर करा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, पहले जब हम लोग ट्रांसफर कराते हैं तो पहले तो भोपाल की RTO पे आ जाती है, हाँ? फिर उसके एक महीने के बाद हम नंबर ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं न्यू नंबर के लिए, तो वो न्यू नंबर की बहुत वाजिब फीस होती है, 800,000 रुपए कुछ फीस होती है। ये तो ना वाजिब फीस जो आपने बताई ना, तो वो तो ऑफिस की वाजिब फीस होती है ना, जो ब्रोकर होते हैं ना उनकी उनकी भी तो नाजायज फीस होती है ना, वो भी तो अपने को काउंट करनी ही पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, ये तो है। तो गाइस ये तो एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें आज हमने माइलेज के ऊपर बात की, कॉस्ट के ऊपर बात की, और वो सारी चीज़ों के ऊपर कोशिश की है बात करने की, कि जो आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अब आइए जो पुरानी ट्रेडिशनल रेवा है उसके पास चलते हैं, और अगर कभी बाई चांस वो मिले, बेसिकली देखिए वो गाड़ी तो अब प्रोडक्शन में नहीं है, नहीं। और बैंगलोर में जितनी बची हैं शायद 100-150-200 कार बची होंगी, उनमें भी हर महीने 2 या 3 गाड़ियाँ जो है वो स्क्रैप कर दी जाती हैं। तो
मतलब आप सोचिए कि भारत में बनने वाला एक वर्ल्ड क्लास जो यूरोप में भी बिकता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी बिकता है, वो चीज़ अब एक्सटेंट होने की कगार पे है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कोई फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन रेवा मिलती है तो आई बिलीव के एक्सपीरियंस कीजिए, उसको लेके रखिए अपने पास में, उसको चलाइए। बिल्कुल, एक कलेक्शन वाली चीज है। हाँ, वो तो एक मतलब कलेक्शन के अलावा मतलब उसको एक उसका अलग ही एक्सपीरियंस है, एकदम कॉम्पैक्ट सी गाड़ी। हाँ, और उसका विजन भी आपको एकदम कमांडिंग वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा एज टू एज दिख रही है गाड़ी। तो आइए सर एक बार उसमें चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि उसका माइलेज क्या है, स्पीड क्या है। अच्छा, स्पीड से ज्यादा इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड 77-78 तक लेके गया हूँ मैं। सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में? डबल में, दो लोग बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी, गुड, वेरी गुड। तो स्पीड तो काफी अच्छी है मेरे हिसाब से, कारों की स्पीड 50 प्लस अगर है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ही है, डिसेंट है। हाँ। क्योंकि फॉरेन में भी देखेंगे सर, अभी सिट्रन ने एमी करके एक लॉन्च की है। हाँ, 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 भी। बहुत महंगी भी कार है वो, बहुत महंगी, और 45 की स्पीड है उसमें इलेक्ट्रिक। हाँ, मतलब उसमें क्या 30 माइल्स पर आवर समथिंग कह रहे थे, तो वो ऐसे ही 45-50 तक मैक्सिमम है, लॉक्ड है मतलब। तो जब वो लोग वो दे रहे हैं, मैंने वो भी देखा, मैंने देखा ये वहाँ पे इतनी महंगी महंगी और हम लोगों को ये फिर महंगी लगती है, तो ये महंगी कतई नहीं है। ये तो नहीं है सर, उस हिसाब से बहुत सस्ती है ये गाड़ियाँ। लग्जरी कॉस्टली ही होती है। हाँ। अगर आपको लेना है कोई चीज तो यू हैव टू पे। नहीं, कंपैरिजन करें अगर इसमें जो फीचर्स हैं और जो आज की सिट्रन एमी है जो 2021 की गाड़ी है और ये 2013 की, तो उस हिसाब से ये आज भी मतलब बहुत एडवांस ही लगेगी। हाँ, उस टाइम पे भी सस्ती थी, आज भी सस्ती है। अभी भी अगर बहुत अच्छी क्लास में अगर ले लेंगे तो मेरे हिसाब से 3 लाख के आसपास में बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही है। हाँ, मिल जाएगी, मिल रही है इस तरीके से। इनफैक्ट दिल्ली में 5.5 लाख से वो मिल रही है महिंद्रा की ई वेरिटो। ई वेरिटो, ई एस एल की शायद निकल रही है गाड़ियाँ। अच्छा। जो ई एस एल ने वो किया था 2019 की है मेरे ख्याल से वो। तो कोई वहाँ का सेलर है, वो भी मैं देख ही रहा था यूट्यूब पे। चलते हैं, तो लंबी बात हो जाएगी अपनी। महिंद्रा रेवा के बाद अब हम लोग फिर से आ गए हैं ट्रेडिशनल रेवा पे। तो इसको पाने के लिए एफर्ट्स किए थे हमारे भगवान सर ने। तो सर, इसकी स्टोरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये लेते टाइम आपके दिमाग में मतलब आपने क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया था? देखिए सर, मेरे दिमाग में बस केवल एक ही चीज़ थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। मैंने सही बताऊं, क्योंकि जैसे आपने OLX पे ढूंढा था वैसे ही मैंने भी OLX पे ही ढूंढा था जी। और मैं ये चाह रहा था कि मुझे भोपाल में कहीं इंदौर में आसपास में थोड़ा सा मिल जाए जी। लेकिन क्या होता है कि जो लिस्टिंग करते हैं OLX पे, वो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों जवाब भी नहीं देते हैं। अब जैसे आपने सवाल पूछा साहब मेरे को, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें जी, जवाब ही नहीं देंगे, महीनों तक हफ्तों तक नहीं देंगे जवाब। शायद उनकी गलती नहीं है, शायद हो सकता है दिन में 10 बार कोई सवाल पूछेगा एक ही, तो जवाब देने में आदमी फिर इरिटेट हो जाता, देता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मुझे जो जवाब आया था, मुझे इन्हीं के ओनर का आया था, अनिल सर थे एक, वो अपने नासिक के थे। अच्छा 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 अच्छा, पुणे से थोड़ा सा पहले है नासिक, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वहीं नासिक से उनका रिप्लाई आया। उनसे काफ़ी लंबी तकरीबन 1.5-2 महीने तक मेरी चैटिंग चली। अच्छा। उन्होंने बात भी की, फ़ोन भी लगाया, उन्होंने अपने गाड़ी के पेपर वगैरह सब चीज़, मतलब एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। उन्होंने मुझे बता दिया था कि सर मेरी जो गाड़ी है वो 2002 की है, 30 किलोमीटर चलती है जी। हो सकता है 5-10 कम ज़्यादा हो, लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी चलती है जी। जब उन्होंने ये बताया तो हमें तो पता था कि साहब हमें बैटरी बदलनी ही है। हाँ जी, हाँ, हमें उस बैटरी पर चलाना ही नहीं है, तो ये हमने सोचा ही था पहले से। इस कारण से हमने कहा कि गाड़ी जैसी भी मिले, पर बात नेगोशिएशन मतलब जो रेट था जी। उन्होंने मुझसे में 1.5 लाख रुपए इसका रेट बताया था जी। मुझे बहुत ज़्यादा लगा। मैंने कहा उनका सर अगर मुझे बैटरी बदलानी पड़ेगी तो शायद 1-1.5 लाख का खर्चा होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1.5 लाख की मैं अगर गाड़ी खरीदूँ, वो भी बिना एसी, बिना नॉन पावर स्टेयरिंग इन सब के, क्योंकि पता था 2002 का मॉडल है, तो मतलब बिल्कुल जो प्रिमिटिव रेवा थी जी, जी, जी। जो फर्स्ट जनरेशन मतलब मैं कहूँ कि प्रोटोटाइप के बाद में जो पहला लॉट बना होगा, शायद उसी में ये बन गई होगी। बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड बैच में ये बन के निकली होगी। तो पता तो था कि भाई बहुत पुरानी गाड़ी है, तो हो सकता है कि भाई बाद में अपने आप को ब्लेम भी करना पड़े, तुमने बहुत जल्दी कर दी, पूछा नहीं किसी से, ऐसा वैसा। लेकिन अब हमें मुझे लेना था जी। उनसे बात चली, उन्होंने फोटो वोटो सब भेजा, मैंने अपने बाकी जो दोस्त थे उनको बताया,
मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही था कि यार मैं इतनी दूर से गाड़ी को लेके कैसे आऊंगा। तो फिर मैंने पैकर्स मूवर्स वालों को फोन लगाया, दे सेड अराउंड 16,000 to 20,000 वो वहां से यहाँ लाने का। फिर मैंने कैलकुलेट लगाया, मैंने कहा कि अगर मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ और गाड़ी को पीछे टो करके लाता हूँ तो कितना बैठेगा सारा। और लगाने के बाद में लगभग मुझे लगा 12,000-13,000 रुपए में तो मेरा आना जाना हो जाएगा। हाँ। प्लस अगर दोस्तों के साथ में जाएंगे तो एक एडवेंचर ट्रिप भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर मैंने ज्यादा देर नहीं लगाया क्योंकि ज्यादा देर लगाने पे ना डिसीजन बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2 दिन के अंदर तुरंत प्लान बनाया, हमने कहा चलो। तो मैं मानसा से गया और वहां से बस लेके आ गया। हम साथ में ना एक छोटा डीजी जनरेटर भी लेके गए थे। अच्छा। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसके चार्जर को है ना डायरेक्ट कर दूंगा बाईपास। अच्छा। तो जनरेटर से डायरेक्ट बैटरी कंटिन्यूस चार्ज रहेगी और मैं चलाते चलाते ले आऊंगा। सही है। पर सही वो है। क्या होता ना, जैसा आप सोचते वैसा हमेशा होता भी नहीं। Exactly. तो नहीं हो पाया वो क्योंकि इसमें इतनी जगह ही नहीं थी कि जनरेटर को रख ले। तो पूरा धुआं अपने को चखना पड़ता नहीं। हाँ, उसके लिए मैंने सोचा था मैंने पीछे से ग्लास को हटा देता हूँ। जी जी जी। लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि जनरेटर रखने के लिए फाइनली मुझे जगह मिल ही नहीं रही थी कहीं पे। तो फिर हमें यही करना पड़ा कि फिर सर आपका आइडिया ही बहुत सही था, ये रेंज एक्सटेंशन एक्सटेंडर वाला सीन हो जाता है। हो जाता था वो, उसके लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद ही मैंने सोचा था। मैंने कहा कि ऐसा हो तो सकता है, करके देखने में जाता क्या है। पर वो एक उसी इंस्टेंस में आप वहाँ पुणे गए, वहाँ पे करके और वो सब करके लेके आना, वो थोड़ा शायद वहाँ पर अगर 1 या 2 दिन का समय मिलता मुझे तो मैं असेंबलिंग या फिर जो इंस्टॉलेशन था या फिर जो एडजस्टमेंट था वो शायद मैं पूरा कर लेता। पर चूंकि हमें वहां से तुरंत जाना था, तुरंत आना था, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे जनरेटर का चार्ज और फिर हम लोगों का भी चार्ज होता है ना। जी, तो जी, आप जी। कहीं पे रुकेंगे तो आपका भी चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस कारण से थोड़ा लंबे समय तक रहा। कुल मिला के वहां पर फाइनली हमारी 1,15,000 में डील हो गई थी। और फिर आते आते क्या हुआ, क्योंकि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो जब हम इसको मानसा से पुल कर रहे थे आगे से खींच रहे थे इसको, तो इसमें रीजनरेटिव चालू हुआ। अब 15-20 मिनट हमें पता नहीं चला कि रीजनरेटिव चालू है, बैटरी फुल हो गई एकदम से। फुल होने के बाद में हल्की सी मुझे स्मेल भी आई अंदर। अच्छा। कि भाई जिसे बैटरी का जो एसिड होता है ना उबलने की, वैसी स्मेल आई मुझे। पर मैं उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम चला रहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर कुछ देर और, क्योंकि यूजुअली ये गाड़ी 40-50-60 तक भागती है, अब टो करने वाला अगर 50-55-60-70 तक भगाएगा तो उसका रीजनरेटिव इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसने कंट्रोलर के इसको बर्नआउट कर दिया। ओके 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 ओके। तो वहीं आते आते इसका कंट्रोलर खराब हो गया था। तो वहां से लाने के बाद गाड़ी को सब कुछ बैटरी वैटरी डालने के बाद भी हम लोग करीबन 3 महीने तक स्ट्रगल करते रहे इसके कंट्रोलर के लिए। और फाइनली बेंगलोर में वो जो लोबो सर जो है, जो इसके ओनर है, उन्हीं के थ्रू हमें कंट्रोलर मिला। कंट्रोलर के लिए। और फिर उसके बाद में अब इसको ट्रांसफर का भी है। तो कुल मिला के देखिए ये तो एक सॉबिंग स्टोरी थी जिसमें किसी के भी आंसू निकल ही सकते हैं। पर लेकिन अब उसके बाद में ब्यूटी ये है कि अभी हम चला रहे हैं। जी। बहुत अच्छी लगती है और सब लोग देखते हैं। और अभी फिलहाल हमने इसमें लिथियम पॉलीमर सेल लगाए हुए हैं, वही प्रिज्मेटिक वाले। तकरीबन इसमें 48 सेल लगाए हैं हमने, 16-16 की 3 सीरीज बना के लगाई हैं। तो 19 एम्पियर के हिसाब से, 90 AH के हिसाब से ना 210 AH इसकी कैपेसिटी है। और 48 वोल्ट के, हाँ 48 वोल्ट का पूरा सिस्टम है। और लगभग हम इसको अभी 42 किलोमीटर तक तो नॉन स्टॉप चला चुके हैं। उसके बाद में भी बैटरी डाउन नहीं थी, ऑलमोस्ट फुल ही बता रहा था वो। बट क्योंकि हमें अब अननेसेसरी जाना नहीं था तो हम वापस आ गए। तो ये अभी 40 किलोमीटर की तो सेफ लिमिट हमारे पास में ऑलरेडी है। जी सर, वैसे 40 मेरे ख्याल से 10 यूनिट का हो गया ये बैटरी पैक इसका, 10 किलोवाट का। हाँ, 10 किलोवाट आवर। आप 48 × 210 कर लीजिए, जितना आए उसको 1000 से डिवाइड। जी जी जी। तो आपको उसका बैटरी पैक की कैपेसिटी किलोवाट में निकला तो ऑलमोस्ट उतना ही बैटरी पैक हो गया उसका भी, ऐसे ही 210 ही है मेरे ख्याल से। पर यहाँ पर ये चीज भी थोड़ी डिफरेंट है ना सर, कि आपकी जो गाड़ी है वो एक BLDC मोटर के साथ में है। जी जी। अच्छा। BLDC मोटर की इफिशियंसी ऑलमोस्ट 80% के आसपास होती है। ओके। 80-85%। वहीं अगर ब्रश मोटर की अगर बात करें तो ब्रश मोटर में आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है जी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती है। अच्छा, अराउंड अच्छा, 60-70 के आसपास होती है। अच्छा। क्योंकि उसमें
या ब्रश होते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा तो लॉस होता है। हाँ जी जी जी। और बाकी अभी मैं गाड़ी से बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस भी किए नहीं है, केवल जो मैंने आपको बताया था कि चार्जर हमने अलग से लगा दिया है और यहाँ पर एक एसओसी भी मैंने अलग से लगा दिया है, कुछ एलईडी वगैरह का कन्वर्जन किया है ताकि जो पावर कंजम्पशन है वो उसको मैं मिनिमम कर सकूं। अभी ऑन एन एवरेज अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 80 से 90 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा, मतलब ये सारी गाड़ी खरीदने के बाद सब कुछ जी। निपटाने के बाद में अब अगर इसके पर किलोमीटर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 से 90 पैसे पर किलोमीटर पे ये गाड़ी चलती है जी। और उसमें केवल बिजली का खर्चा है क्योंकि कभी इसमें ऑयल चेंज नहीं होता, कभी इसमें सर्विस नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। जब तक आपको प्रॉब्लम महसूस ना हो तब तक मेरे हिसाब से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और अभी जैसे अभी तो सर अभी ऑयल एक्स पे ये कंडीशन है या फिर जो जिनसे मेरे संपर्क हैं, अब बहुत आराम से कोई भी फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन रेवा जी। रेवा में भी एक जो एसी मोटर का जो वेरिएंट आता है वो भी आपको 1 लाख में बहुत अच्छे में मिल जाएगा, 1 से 1.5 लाख रुपए में, और उसमें भी 40-50 किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ये होगा कि खुद फिजिकली जाके अगर लें, किसी एजेंट के थ्रू ना लें, तो आपको और एक बहुत अच्छी डील मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर एजेंट भी कम से कम 10-20 हज़ार का खेल कर जाते हैं। ये तो है वो कर देंगे, ऊपर से एक बार वो क्या वहाँ पे जाके ड्राइव करके एक दो ऑप्शंस में अपना खुद चेक करके कौन सी बेस्ट लग रही है। हाँ। अपने हिसाब से भले आपको लगे ना तो एक दिन वहाँ रुकिए, गाड़ी को फुल चार्ज खुद ही कीजिए, उनसे बोल दीजिए ओनर से साहब मैं यहाँ एक दिन रुकूंगा आप ये चेक रख लो, वहाँ पे चला आपको ना उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑपरेशनल एरर से भी अब चलाने के तरीके से भी गाड़ी का माइलेज वेरी करता है। जी, जी, अब जी। आपके चलाने का तरीका और हमारे तरीके हो सकता है अलग अलग हो, आप बोलो कि 80 का निकलेगा और मेरे से अगर वो 70 का निकलेगा तो मुझे लगेगा आपने झूठ बोला, पर दिक्कत तो आपने झूठ नहीं बोला साहब, मेरे चलाने में प्रॉब्लम है। तो ये भी होता है, तो खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद चलाइए, अपनी ड्राइविंग में कितना रेंज एरिया है, कैसा हो रही है, अपने लिए है कि नहीं है। जी बिल्कुल। पर 40-50 किलोमीटर भी सिटी के हिसाब से बहुत है। लोगों का जनरली ऐसा होता है कि घर से ऑफिस, घर से शॉप, शॉप से वापस घर, या बीच में लंच के लिए एक आधा और चक्कर लग। तो मेरे हिसाब से ना शहर में घूमने के लिए तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गाड़ी है और सेफ भी है, टू व्हीलर से ज्यादा सेफ है। टू व्हीलर से तो सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं शहर के अंदर कहीं भी, बहुत सबसे बढ़िया चीज है। आप इसको टू व्हीलर से अगर कंपेयर करें तो आपको वेदर प्रूफ एक मिल रहा है क्योंकि कॉम्पैक्ट जो है ये इतना कॉम्पैक्ट कोई कार नहीं होती है कि आपको पार्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी कहीं भी घूम जाती, 3 मीटर के रेडियस में घुमा के बता दूंगा, बहुत आराम से घूम जाती, छोटी सी तो गाड़ी है। ये तो है। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक आज का वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन रेवा और जो थर्ड जनरेशन महिंद्रा की रेवा है उसका जो कंपैरिजन है वो आपके सामने किया। और हम कबीर जी को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो आए और उन्होंने हमारे इस शो में पार्टिसिपेट किया। अगर फिर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लगे जो आप लेना चाहें तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट फॉर मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।